Hi and welcome to the Fahadhusain YouTube channel and also welcome to the Linear Algebra course. Math behind artificial intelligence में हम Linear Algebra पढ़ रहे हैं और वो तमाम टॉपिक जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या एक डेटा साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो तमाम चीज़ें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस की जा रही हैं। इस सेशन में कुछ प्रैक्टिकल काम हम करेंगे, जिस तरह से हमने LUD कंपोजिशन, SVD और सूडो इनवर्स को थ्योरेटिकली और उसके इंटरनल वर्क को जाना, अब हम पाइथन के जरिए से उसे प्रैक्टिकल वर्क करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो डिफरेंट वीडियोज़ जो कि सेपरेट डिसिप्लिनस के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, विद ईज आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल, विच मीन PPT स्लाइड कोड या कॉन्टेंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CSblogspot.com पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें फ्रीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मुझे मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CSblogspot.com पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी वहाँ पर कोई चीज़ें अपलोड हों उस हवाले से आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इस वक्त मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन किया हुआ है और जुपिटर नोटबुक पर हम अनटाइटल फाइल को सेव कर लेते हैं, LA इन शॉर्ट, विच मीन लीनियर अलजेब्रा के नाम से। और सबसे पहले चंक ऑफ कोड के अंदर मैंने SCIPY.LINALG यानी SciPy से मैथड लीनियर एलजेब्रा को इम्पोर्ट किया हुआ है और NumPy मैं एज यूजुअल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ज़रिए से हम तीन एरेज़ को हैंडल कर रहे हैं। एक्चुअली जो LUD कंपोजिशन का मैथड था, अगर मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ डिफाइन करूं, तो उसके अंदर हम अपने मैट्रिक्स को दो दूसरे अलग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे थे या डिकम्पोज कर रहे थे, जो लोअर ट्राइंगल या फिर अपर ट्राइंगल था, उस चीज़ को हम यहाँ पर पाइथन के तहत करना चाह रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से उसी वक्त समझ में आएंगी जब वो प्रीवियसली जितने सेशन हमने कवर किए हैं लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में वो आपने वॉच किया। वो अगर नहीं किया है तो इसको यहीं पर पॉज करें, वो तमाम सेशन देखें ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को भी समझ सकें। तो सबसे पहले चंक के अंदर अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पर हमारे पास ए का एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 का है। इसी तरह से बाय नेम ऑफ एल यहाँ पर एक मैट्रिक्स मौजूद है और यू के नाम से भी मैट्रिक्स मौजूद है। बाय यूजिंग एल डॉट यू मैंने यहाँ पर अप्लाई किया क्योंकि मुझे लोअर एंड अपर ट्राइंगल जो मैट्रिक्स है उसमें कन्वर्ट करना है, यानी LUD कंपोजिशन में। और उसके बाद मैंने अपने तीनों उस इनिशियल मैट्रिक्स को जो कि 3x3 का था उसे मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू जस्ट क्लिक शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हेयर इज द एग्जीक्यूशन। द एल डॉट यू मैट्रिक्स इज नाउ इट्स हेयर। और ओरिजिनली अगर आप एल मैट्रिक्स की बात करें तो ओरिजिनली एल मैट्रिक्स ये रहा और ओरिजिनली यू मैट्रिक्स ये रहा, यानी आफ्टर द कन्वर्जन हम बिफोर एंड आफ्टर दोनों इफेक्ट देख रहे हैं, जिसमें डीकम्पोजिशन होने के बाद वैल्यूज़ यहाँ पर तीनों मैट्रिक्स की डिस्प्ले हो रही है। और ये वो किस तरह से हो रही है, इंटरनली क्या वर्किंग थी, वो सारी चीज़ें हम थियोरेटिकल पार्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास सूडो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट था, जिससे पहले हमने देखा था कि SVD किस तरह से यूज़ की जाती है और उसके क्या तरीक़ेकार थे। तो सूडो इन्वर्स हम नीचे एग्जांपल कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट दी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, विच मीन SVD। तो SVD को भी हम उसी लाइब्रेरी से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, SVD के अंदर हमारे जो मैट्रिक्स है वो डिकम्पोज होता है तीन अलग 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 मैट्रिक्स में। और हमने देखा था कि SVD एक काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट डिकम्पोजिशन मैथड है, जो नॉन इन्वर्टेबल जो मैट्रिक्स होते हैं जो कि 2x2 या 3x3 यानी स्क्वायर बेस नहीं होते हैं, उनको डिकम्पोज करने का ये मैथड है। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ तीन वेरिएबल्स यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं जिसे मुझे डिकम्पोज करना है, जिसके और बाय यूजिंग SVD और इनपुट मैट्रिक्स। तो जो भी आपके पास नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है आप उसको SVD मैथड में एज अ पैरामीटर पास करेंगे एंड देन यू कैन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ US एंड V ट्रांसपोज। सो जस्ट आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट शिफ्ट एंटर एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन इट्स योर ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ योर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मैट्रिक्स आर हेयर। देन देर इज अनदर एग्जाम्पल टू सॉल्व दी सूडो इन्वर्स प्रॉब्लम। और सूडो इन्वर्स प्रॉब्लम के अंदर जब मैंने उसके थ्योरेटिकल पार्ट में आपको करवाया था तो मैंने उसके रिलेशनशिप भी दिखाई थी कि SVD और सूडो इन्वर्स किस तरह से रिलेट करते हैं और वो कौन से प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम सूडो इन्वर्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो हमने देखा था कि जब हम मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो लीनियर एंड नॉन लीनियर फॉर्म पर उसको सॉल्व किया जा सकता है, यानी इन्वर्टेबल एंड नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को देखना होता है। तो अगर मैं उसे स्लाइड से मैंशन करूँ तो एट द लास्ट वी हैव मैंशन दिस काइंड ऑफ दिस स्टफ, ओवर डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसी तरह से इनकन्सिस्टेंट एंड नॉन
कंसिस्टेंट प्रॉब्लम ए एक्स इक्वल टू बी, फिर उसको हमने इक्वेशंस वाइज सा तमाम चीज़ें सॉल्व करके देखी थी। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैंने यहाँ पर तीन इक्वेशंस ली हैं, यानी माइनस टू एक्स प्लस वन, फोर एक्स वन प्लस एट एंड माइनस एक्स वन प्लस टू। ये तीन इक्वेशंस हमने बनाई हुई हैं, तीनों इक्वेशंस को बाय यूजिंग मैथ प्लॉटलिप मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, ताकि ओवर डिटरमिनेंट के प्रॉब्लम को हम पहले मैथ प्लॉटलिप से विजुलाइज करें और देन हाउ वी कैन यूज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम उसको हम प्रैक्टिकल देख सकें। तो वेरी सिंपल कोड, इसमें हम मैथ प्लॉटलिप के जरिए से उनके एक्सेस शो कर रहे हैं बाय यूजिंग दी दिस फार्मूला, और लाइन स्पेस से हमने एक्सेस डिफाइन कर दी है और ये हमारी इनपुट वैल्यू होगी। तो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द कोड, इट्स नाउ एग्जीक्यूटेड एंड हियर इट इज योर इनपुट वैल्यू। ओके, एंड आफ्टर द इनपुट वैल्यू हम उसमें एस वी डी मैथड को यूज़ करें सूडो इन्वर्स के। तो पी आई एन वी जो मैथड यहाँ पर लिखा गया है ये इसका सूडो इन्वर्स है बाई यूजिंग दी एस वी डी अप्रोच। तो ये इसका एस वी डी सूडो इन्वर्स आंसर आ रहा है, लेकिन उससे पहले हमने साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया कि हम उन तीनों इक्वेशंस को जो यहाँ पर मैंने लिखा है उनको हम विजुलाइज भी करवाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमने विजुलाइज करवाया है जहाँ पर हम इन दो पॉइंट को दो लाइन को इंटरसेक्ट होता हुआ देख रहे हैं और यहाँ पर हम इस ऑरेंज लाइन को दो अलग पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं या टच करते हुए देख रहे हैं। एट लास्ट मैंने बिल्कुल प्योरली शो करके दिखाया हुआ है कि अगर मुझे सिर्फ मोर पेनरोज सूडो इन्वर्स को यूज़ करना है तो मैं पी आई एन वी मैथड को इस्तेमाल करूँगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सूडो इन्वर्स को सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को सॉल्व करने के लिए एस वी डी मैथड का इस्तेमाल किया। तो वेरी सिंपल, मैंने एक वेरिएबल बनाया मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ए, और बाय यूजिंग दी पी एन वी मैथड मैंने यहाँ पर उस वेरिएबल ए को पास किया जो कि यहाँ पर वेरिएबल ए में मौजूद था, और उसके बाद मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो आई एम जस्ट एग्जीक्यूट द कोड एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन होल्डिंग द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स टू माइनस वन 4 minus 1 minus 1 and minus 1 the result of the pseudo inverse of this matrix will be this one। तो होपफुली आपको ये छोटा सा जो हमारा ये सेशन था जिसके अंदर हमने कुछ पाइथन के लॉजिक को यूज़ करते हुए एल यू डी कॉम्पोजिशन एस वी डी और सूडो इन्वर्स को किया क्लियर होगी। तो मैं एक दफ़ा फिर रिकमेंड करूँगा कि ये तमाम वीडियो सेशंस आपको ज़रूर क्लियर होना चाहिए जो मैंने अपने लीनियर अलजेब्रा के कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर मेंशन किए हुए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो तमाम चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं जो हमारे लीनियर अलजेब्रा या फिर इसी तरह से डेटा साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो तीन चीज़ें अभी मैंने आपको लैब में बताई हैं वो तमाम के तमाम हम थियोरेटिकल पार्ट में भी कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा सवाल से बर वक्त जवाब दे सकूँ। तो नेक्स्ट सेशन पर फिर फर्दर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं जो कि लीनियर अलजेब्रा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सी यू।